Hey, what's up guys, welcome back to another video. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI के कुछ ऐसी थीम्स के बारे में जो जिसके आइकन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड सिंपल क्लीन मिनिमल जो भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब काफ़ी आपको एक कूल टाइप के आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। और चलिए शुरू करते वीडियो को और जान लेते हैं कि भाई इस बार मैं आप कौन सी थीम्स लेके आ गया हूँ जो शायद आपका माइंड ब्लो करके रख देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। दोस्तों जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जरूर से ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बहुत जगह आप कनेक्ट हो जाओ क्योंकि वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देता रहूँगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों बात करते हैं थीम्स के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ 4 नॉन थर्ड पार्टी थीम्स। और जी ज़्यादा थीम्स जो बेस्ड होंगी ये होंगी आइकन्स के ऊपर, मतलब कई थीम ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ आइकन ही अच्छे होंगे बाकी सब नॉर्मल होगा, और कई थीम्स ऐसी होंगी जिसमें आइकन एंड थीम्स सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। एंड दोस्तों एक और बात, अगर आपको इस थीम के बारे में जानकारी चाहिए ना भाई ये कौन सी थीम है, डाउनलोड लिंक का नाम सबको आप कुछ पे आप ब्लॉग पे मिल जाएगा। आप सेकंड लिंक पे क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको इस थीम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इसका डाउनलोड लिंक और नेम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जाइए विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है सेकंड लिंक। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की थीम्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले चल जाते हैं थीम्स के ऊपर एंड माई पेज थीम्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहली थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों उसका नाम है बर्गर डुअल वर्जन 11 DWM4 एंड ये बर्गर वाली थीम है। तो भाई मेरे को इसको देख के मुंह में पानी आ गया बट अब इसको खा तो सकते नहीं, कोई नहीं। तो अब भाई यहाँ पे इसको मैं आपको अप्लाई करता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया भाई अप्लाई, एंड अगर आपने सबसे पहली चीज नोटिस करी होगी तो वो हो गया इसके नेविगेशन बटन। तो यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इलुस्ट्रेशन वॉलपेपर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, मेरे को काफ़ी यहाँ पे सिंपल और सिंपल मतलब बिल्कुल ऐसे मिनिमल सा लगा वॉलपेपर, बहुत अमेजिंग। एंड उसके बाद दोस्तों इसमें विडजेट या सर्च बार में कोई फैंसी सा चेंज नहीं करा गया है। आइकन्स बहुत ही अमेजिंग लगे मेरे को इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के हैं। हर चीज़ को यहाँ पे मतलब काफ़ी डिटेल्ड बनाया गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक आपके फ़ोन को मिलता है, मतलब आपके फ़ोन को एक क्लीन लुक देगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें स्टेटस बार के बारे में, तो स्टेटस बार को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसके आइकन भी काफ़ी मिनिमल से हैं और काफ़ी आपके फ़ोन को एक क्लीन और कूल लुक प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लें हम इसकी सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम चल जाते हैं एंड जो साइड वाले आइकन्स हैं ना दोस्तों यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो ग्रेडिंग है उसको भी यहाँ पे चेंज करा गया है, अलाइनमेंट को भी चेंज करा गया है, तो ये भी एक आपको काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके डायरे मेन्यू के बारे में, तो डायरे मेन्यू को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसकी कलर स्कीम को चेंज करा गया है एंड इस बटन को भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो भी आपको एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन की अगर हम बात कर लें तो भाई लॉक स्क्रीन भी आपको जिस टाइप की देखने को मिलती है और काफ़ी मेरे को कूल लगी। ठीक है भाई, भाई एक चीज़ जो थीम है ना ये मैं आपको मैं कह सकता हूँ मैं परमानेंट अप्लाई करके रख सकता हूँ क्योंकि भाई ये जो थीम है ये बहुत ही क्लीन है और एकदम साफ सुथरा लगता है आपका फ़ोन और अच्छा भी लगता है देखने में। और बाकी वॉलपेपर तो बर्गर वाला है ही, तो फिर और अच्छी बात। एंड दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि आइकन चेंज नहीं होते ये वाले, तो भाई अब यहाँ भी ये भी चेंज है, देख लो मेरी वीडियो में भाई आपके नहीं होते तो आपके फिर रीसेट वीसेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बाकी होते हैं हर थीम में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी फर्स्ट थीम। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड थीम के बारे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड थीम देखने को मिल जाती है, उसका नाम है फ्लैट डुअल वर्जन 11 DWM4 एंड ये भी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग थीम है एंड आइकन इसके बहुत ही अमेजिंग है। और ये थीम मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी आप देखने वाली बात है ना। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हो, देख लेते आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन बटन्स आर सेम बिकॉज क्रिएटर जो है वो सेम ही है, और भाई ये जो क्रिएटर है ना बहुत ही अमेजिंग थीम बनाते हैं और जिसके आइकन भाई बहुत ही क्लीन होते हैं और बहुत ही कूल लुक प्रोवाइड कराते हैं आपकी थीम्स को। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है थीम एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का आपको पीछे वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी साफ सुथरा लगता है। और विडजेट एंड इसमें सर्च बार में कोई चेंज नहीं करा गया, ये भी एक साफ सुथरी वाली बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइकन्स जो मेन इस टॉपिक है, तो भाई आइकन्स आपको बिल्कुल ही क्लीन लुक देते हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक देते हैं आइकन्स आपके फ़ोन में, और मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे इसके आइकन्स। और ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के हैं, सर्कुलर हैं एंड कई जो है वो शेप बना रखी है, मतलब हर चीज़ डिटेल्ड है। और यहाँ पे लॉग मैसेजिंग का कुछ यहाँ पे सिस्टम बना रखा है एंड बहुत ही आपको क्लीन सा यहाँ पे आपको फ़ोन को लुक जो है वो प्रोवाइड कराएंगे आइकन्स।
देन दोस्तों अगर हम बात करें स्टेटस बार के बारे में, तो भाई उसके अंदर जो था स्क्वेयर आइकन से, एंड इसके अंदर जो है वो सर्कुलर आइकन है, बट है वही वाले सेम टू सेम जो उस प्रीवियस थीम में थे, वहाँ पे स्क्वेयर से सर्कुलर कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी आपको अच्छा लिखने को मिलता है इसके अंदर स्टेटस बार के अंदर, और एकदम वैसे क्लीन लगता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें सेटिंग मेन्यू के बारे में, देन इट इज़ ऑल्सो सेम बिकॉज सेम क्रिएटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग मेन्यू आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, तो ये कब कुछ चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर ले इसके डायलॉग मेन्यू के बारे में, देन डायलॉग मेन्यू ही चेंज है इसमें। जैसे आपको पता होगा उसमें ब्लू कलर की स्कीम थी कलर स्कीम, एंड इसमें आपको रेड और ग्रीन कलर की कलर स्कीम देखने को मिल जाती है, तो इसलिए जो ये आइकन वाइकन है ये आपको ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक आपको चीज़ देखने को मिल जाती है। तो भाई थी ये थी हमारी सेकंड थीम जिसके आइकन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन थीम्स का आनंद उठा सके। एंड इस थीम के लिंक्स जो हैं, इसके नाम जो है, डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक क्लिक करिए, आप मेरे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपको इसके थीम्स के नाम एज वेल एज लिंक दोनों मिल जाएंगे, जाइए जरूर से विजिट कर लेना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड थीम के बारे में। दोस्तों जो थर्ड थीम है उसको हम जानते हैं थीम स्टोर, एंड जो थर्ड थीम है जो आपको देखने को मिल जाती है वो है ऑर्बिट वर्जन 11, और इसके आइकन्स भी बहुत ही क्लीन है एंड साफ सुथरे हैं। ये क्रिएटर दूसरा है तो इसमें आपको थीम में चेंज देखने को मिल जाएगा, तो भाई यहाँ से अप्लाई करते हैं एंड ये आ गई थीम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो भाई इसके नेविगेशन बटन्स जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं, मतलब तीन डॉट हैं जो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आइकन्स के बारे में, तो आइकन्स एकदम साफ सुथरे हैं, क्लीन से हैं, सिंपल से हैं, जो आपके फ़ोन को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं इसका आइकन। एंड विजेट को भी यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा बनाया गया है, और ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ भर दिया होम स्क्रीन के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरा आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई थिंक इसमें एनिमेशंस भी आपको देखने को मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायलॉग मेन्यू चेकआउट कराता हूँ। ये आपको डायलॉग मेन्यू जो है सेम देखने को मिलता है, इसमें डिफॉल्ट है, इसमें आपको चीज़ देखने को नहीं मिलता है। यस, इसमें आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं, तो ये भी एक आपको काफ़ी प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात कर लें इसके सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम चले जाएँ इसके अंदर, एंड यहाँ पे सेटिंग मेन्यू आपको थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है, जो भाई मेरे को इतना पसंद नहीं आया, बस ठीक ठाक सही से कह सकते हैं, बंद किया। एंड एनिमेशन, तो इसमें आपको आइकन्स में भी एनिमेशन है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। स्टेटस बार की अगर हम बात कर ले तो ये भी बिल्कुल साफ सुथरा सा है, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको जो आइकन्स है उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और वाइट एंड ब्लैक का यहाँ पे कॉम्बो यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी आपको एक इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आइकन्स के एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ मैं सबकी, एक बार चेक करते हैं मैसेजिंग की, तो यह मैसेजिंग में नहीं है, कैमरा में नहीं है, सिक्योरिटी में नहीं है, गैलरी में आपको इसमें एनिमेशन देखने को मिलती है, एंड थीम्स में नहीं है। तो भाई कुछ में आपको एनिमेशन देखने को मिलती है, कुछ में आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है वही सेम है जो आपका होम स्क्रीन विजेट था, उसी को यहाँ पे लॉक स्क्रीन विजेट बना दिया गया है। एंड अगर आप इस साइड जाएंगे तो आपको ये वाला मेन्यू आ जाएगा, जिसमें जाके आप टॉर्च को ऑन ऑफ, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस साइड स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्मार्ट असिस्टेंट आ जाता है, जिससे टॉर्च और म्यूट कर सकते हैं अपने फोन को। यहाँ पे आप अपने आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से म्यूजिक प्लेयर, यहाँ से आपको वेदर भी देखने को मिल जाता है, साइड स्वाइप से आपका कैमरा आएगा और कुछ नहीं। तो भाई ये थी हमारी थर्ड थीम जिसके आइकन बहुत ही साफ सुथरे हैं, एंड आपको एक फोन को एक मिनिमल लुक जरूर से प्रोवाइड करा देगा, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये थीम। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में, तो जो लास्ट एंड फाइनल थीम है दोस्तों उसका नाम है PMUI 10, एंड ये थीम के आइकन्स भाई जो इसका आइकन पैक है ना वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ हर फ़ोन में, और अपने जब मेरा पर्सनल फ़ोन होता है मैं उसमें ये आइकन्स यूज़ करता ही करता हूँ, और जो मेरा प्राइमरी फ़ोन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इस आइकन पैक का नाम है इनिक्स, एंड ये 80 rupees का आइकन पैक आपको देखने को मिलता है, बट इस थीम की बदौलत आप इस आइकन्स को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है। इस थीम में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइकन्स ही खास हैं, क्योंकि ये MIUI 10 सपोर्टेड थीम है, दैट्स वाई इस थीम में कोई यहाँ पे अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको देखने वाली बात है। अब बात करते हैं इस थीम के बारे में, तो यहाँ पे आपको आइकन्स कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे फेवरेट आइकन्स आपसे कह सकते हैं। मैंने इसको बाय करा है 80 rupees का, मतलब मेरे को इतने अच्छे लगते हैं भाई, ये बहुत ही मेरे फेवरेट आइकन्स है एकदम। तो भाई आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ सुथरे आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। विजेट की अगर हम बात कर ले तो विजेट भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, और छोटा कर दिया गया है क्लॉक को, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर ले क्लॉक स्टेटस बार एंड सेटिंग मेन्यू, ये सब आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप देख लेना, बट लॉक स्क्रीन चेंज है, तो लॉक स्क्रीन
तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन को जिस टाइप की देखने को मिल जाती है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे जाके सेटिंग पे आप यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग भी कर सकते हैं, अपनी ओनर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। बाकी ऊपर स्वाइप करिए एंड फोन विल गेट अनलॉक्ड। तो भाई ये थी हमारी आज की थीम्स और आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाओ। यार आपको इधर उधर साइड में कहीं भी आपको एक सब्सक्राइब वाला मेरा लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। बस यार मेरे को यही चाहिए। जाओ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियोस से रिलेटेड भी अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड यहाँ पे दो वीडियोस और भी आ रही होंगी, जाइए दोनों वीडियोस को क्लिक करिए, देखिए। अगर आप नहीं देखी तो क्या पता आपको उसमें भी इंटरेस्ट आ जाए। तो ठीक है, मैच मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।